इससे मतलब तुम्हारे पैसे से पी है क्या? जाओ यहां से। इतना दर्द दबाए बैठे हो तुम अली, कब तक अकेले अंदर ही अंदर सब कुछ सहते रहोगे? चमेली, उसे चला दे। जी, आज टेप मत चलाइए, आरती आज हम करेंगे। ये आवाज तो साधना भाभी की नहीं है। ओह माय गुडनेस, ये तो हीरोइन ही है जी की आरती भी गाने लग गई। लगता है ये घर में सेटल होने का पूरा पीरोग्राम बना कर आई है राधा रानी। अरे सुनिए, ये उठिए ना। क्या हुआ? हुआ नहीं है, होने वाला है। राधा रानी जो है कन्हैया जी की आरती गा रही है। अरे तो वो आरती गा रही है तो क्या हो गया? अरे उसे गाना है गाने दो। तुम कौन था पिछले एक साल से सुबह उठकर आरती गाए? सारा दोष हमारा ही है। अरे सांबा भाभी बीमार पड़ेगी तो हम क्या करें भाई? और वैसे भी ये रूल बाबूजी ने बनाया था कि आरती जो है घर की बड़ी बहू गाएगी, तो हम क्या करें? अरे परेशान मत करो, सोने दो हमें। ये तो राधा का, कल रात राधा मेरे साथ थी मेरे कमरे में, मेरे बेड पे। क्या हुआ अब एग्जैक्टली कल रात को? कब से इस पल का इंतजार था हमें, जो काम हमसे अधूरा छूट गया था उसे तुम पूरा करोगी राधा। इस घर की खुशियां लौटा दो, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही रास्ता दिखा दो प्रभु। नॉट बैड है राधा। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई, ऑडियंस पागल हो जाएगी पागल। मतलब ये कि लेटेस्ट सुपरस्टार राधा पाठक, वाओ, ग्लैमर और संस्कार, एक कंप्लीट कलाकार। हमारी बहू है ही ऐसी, सर्वगुण संपन्न। ये बहुआओं का चक्कर तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पक्का पता है,
ये जो चीजें है ना, ये पब्लिसिटी के लिए बहुत अच्छी है। राधा पाठक संस्कारी हीरोइन, देखना ये जो हेडलाइन है ना, धूम मचा देगी धूम। अरे मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं कह रही हूं ना। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आरती के पीछे भी तुम्हारा एक मकसद है। भैया आरती, क्या बात है भैया? हाँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कुछ कहना चाहते हो? आप इस कमरे से बाहर निकलना चाहते हो? नीचे जाना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, बताइए ना क्या बोलना चाह रहे हो आप? राधा, एक्सक्यूज मी, आप यहां क्या कर रही हैं? जवाब दीजिए। और ये कबर्ड कैसे खोल लिया आपने? कहा है ना बिटिया, छोटे मालिक के सर में दर्द था तो दवाई ढूंढने आए थे। कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रही हैं? कुछ एक महीने से। एक महीने से? और आपको ये नहीं पता कि दवाइयाँ कहाँ हैं? कहाँ कहे बिटिया, दिखा ही नहीं हमें। कैसे दिखेगा, इतना लंबा घूंघट जो ओढ़ के रखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपने इतना लंबा घूंघट क्यों ओढ़ के रखा है। बिटिया वो इस घर में मर्द रहते हैं, अब आदमी के सामने तो हम घूंघट उठा नहीं सकते। ये बीते जमाने की बात है, लेकिन हम भी तो बीते जमाने के ही है ना। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, आप मेरे सामने घूंघट निकाल सकती है। पर आपको काम करने में कितनी परेशानी होती होगी। ओह माय गॉड, पकड़े गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्या करें? इसलिए चलिए निकालिए इसे। चमेली बिटिया, आज सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा।
बड़े भैया जी का भी तो कहा है, आज हमारे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, हम ना सब कर लेंगे, आप बस अपना ध्यान रखना और हाँ डॉक्टर को जरूर दिखाना। ये सब समेटो। अरे पानी तो दो राधा, वरना मैं अंधी हो जाऊंगी। सॉरी सॉरी, और फिर तुम्हारी मैनेजर नहीं डैमेजर बन जाऊंगी। ये जूते रखने की जगह है, कोई गिर जाता तो? पहली बात, इस कमरे में आने का किसी ने आपको इनविटेशन नहीं दिया है। ये मेरा कमरा है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, जहाँ चाहे सामान रख सकता हूँ। अरे तुम्हारा कमरा है इसका मतलब ये नहीं तुम उसे डस्टबिन बना दोगे। लेट मी कंप्लीट। जो लोग ऊपर देख के चलते हैं वो अक्सर मुंह के खाते हैं, तो दूसरों को ब्लेम करना छोड़िए और ठोकर खाने की आदत डाल लीजिए। अगर लेक्चर देने का इतना ही टाइम है तो 10 सेकंड निकाल कर तुम्हारे जूते भी जगह पे रख दो। सॉरी मैं भूल गई, गलती जूतों की है, मुझे एंटर करने से पहले इन्हें बता देना चाहिए था कि राधा जी मैं यहाँ हूँ नीचे, बी केयरफुल राइट। एली, अब क्या हुआ है? एली तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर एक ग्लास नींबू पानी पी लेते तो। आई नो तुम्हारा सर दर्द हो रहा है हैंगओवर की। प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, आप इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, आई एम श्योर आपके पास और बहुत काम होंगे। काम हो ना हो कॉमन सेंस है, खाली पेट तो पेन किलर भी असर नहीं करेगी और एसिडिटी हो जाएगी वो अलग। सच में कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, इतने अपनेपन से बोल रही हैं जैसे सच में बहुत फिक्र हो। फिक्र है साधना आंटी की, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा। मैं बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, और मैं इससे ज्यादा अच्छा हो सकता हूं अगर आप मुझसे दूर रहे, सो प्लीज। सीक्रेट ना है यार, कौर तकल ज्यादा हो गई थी, बाढ़ बचाए भैया। थैंक यू। अच्छा मिली जी, वो क्या है जो एली ने पिया? ये तो भैया रोज पीते हैं। अच्छा बहुत परेशान लग रही है, हम आपके लिए आपका मनपसंद नाश्ता लगा दें? नहीं चमेली जी, आज मैं भी नाश्ता नहीं करूंगी। थैंक यू। अब तुम्हें सुधारने का टाइम आ गया है मिस्टर एलडी चतुर्वेदी। अब आपकी तबीयत कैसी है? हम ठीक है बेटा। ये तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, कुछ खा तो लो। नहीं माँ, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप रेस्ट कर लीजिए, मैं आके खा लूंगा। और माँ पूजा कब तक होगी, मैं तब तक लौटने की कोशिश करता हूँ।
बेटा इस बार पूजा नहीं होगी। क्या पूजा नहीं हो रही है? और अपने दादी बुआ से? बुआ जी ने बनवारी भैया से बात की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अनबिलीवेबल, बनवारी अंकल इतना कैसे बदल सकते हैं कि अपनी माँ की बरसी नहीं मनाना चाहते? अगर दादाजी को पता चल गया तो? पूजा तो होगी, आप सबको बता दीजिए और दादाजी भी इसमें शामिल होंगे। बाकी जिसको आना आए, नहीं आना ना आए। आप एक काम करिए, मुझे पूजा की सामग्री की सारी लिस्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आते हुए ले आऊंगा। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? मैं पूजा घर के लोगों के लिए, बाहर वालों का यहाँ कोई काम नहीं। और पूजा के बाद प्रसाद आपके पास भिजवा दिया जाएगा। और हाँ, पूजा के लिए दादाजी नीचे आएंगे और मैं नहीं चाहता वो आपको देख के और परेशान हो, इसलिए आप अपने कमरे में रहिए, वो बेटर रहेगा। लीलाधर बेटा, राधा भी तो इस घर से शुरू हो गई, आपको मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। Da 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 da